प्रियदर्शन से बात कर रहे हैं। भगवान वराह का आविर्भाव, भगवान वराह का प्राकट्य। तो हमने पढ़ा था किस प्रकार भगवान वराह देव प्रकट हुए ब्रह्मा जी की नासिका से। जब ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि कैसे पृथ्वी का उद्धार किया जाए, पृथ्वी गर्भोदक सागर में डूबी हुई है और वहां से कैसे उसको लाया जाए, उसी समय भगवान वराह देव प्रकट होते हैं। श्लोक संख्या 25 से आगे पाठ करेंगे। निशम्यते घर घरितम स्वखेदा सियश्नो मायामय सूकरस्य जनस्तप सत्य निवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृणन् स्म। प्रफुल्ल प्रोक पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक के निवासी महर्षियों तथा चिंतकों ने भगवान शुकर की कोलाहलपूर्ण वाणी सुनी तो सर्व कृपालु श्री भगवान की सर्व कल्याणमय ध्वनि थी, तो उन्होंने तीनों वेदों से शुभ मंत्रों का उच्चारण किया। हरे कृष्ण। तो भगवान की दिव्य वाणी को श्रवण करके सभी को कृपा प्राप्त हुई और जो उच्च लोकों के निवासी हैं, महर्षि लोग हैं, वो वेदों के शुभ मंत्र से भगवान की स्तुति करने लगे। आयुष प्रभु पढ़िए, तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, इस श्लोक में मायामय शब्द अत्यंत सार्थक है। माया का अर्थ है कृपा, विशेष ज्ञान तथा मोह। इसलिए भगवान शुक्र सर्वस्व है, वह दयालु है, वह समस्त ज्ञान है और वे मोह भी है। वराह अवतार के रूप में उन्होंने जो ध्वनि की उसका उत्तर जन लोक, तपोलोक तथा सत्यलोक में रहने वाले मुनियों ने वैदिक मंत्रों से दिया। उन लोकों में सर्वोच्च बुद्धिमान तथा पवित्र जीव निवास करते हैं। अतः जब उन्होंने वराह की असाधारण ध्वनि सुनी तो वह यह समझ गए कि वह यह विशेष ध्वनि श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने वैदिक मंत्रों से श्री भगवान की प्रार्थना करते हुए उसका उत्तर दिया। यद्यपि पृथ्वी कीचड़ में धसी हुई थी, किंतु शिव भगवान की ध्वनि सुनकर उच्चतर लोकों के निवासी अत्यंत हर्षित हुए, क्योंकि वे जान गए कि शिव भगवान वहां पृथ्वी का उद्धार करने हेतु आए थे। अतः ब्रह्मा तथा सारे साधुगण यथा भृगु, ब्रह्मा के अन्य पुत्र तथा विद्वान ब्राह्मण जीवंत तो हो उठे और उन्होंने मिलकर वैदिक मंत्रों की दिव्य ध्वनि से शिव भगवान की प्रशंसा करने में उनका साथ दिया। सबसे महत्वपूर्ण मंत्र बृहन्नारदीय पुराण का मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं वैदिक मंत्रों से भगवान की स्तुति की और वैदिक मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र का भी उल्लेख उन्होंने किया ही होगा। तेषां सतां वेद वितान मूर्ते ब्रह्मावधार्यात्म गुणानुवादम विनद्य भूयो विबुधो दयाय गजेंद्र लीलो जलमाविशिवेश। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए वे महान भक्तों द्वारा की गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में पुनः गर्जना करके जल में घुस गए। भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य हैं, अतः वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियां उन्हीं के लिए की जा रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जैसा एक हाथी बड़ा प्रसन्नचित रहता है, चलता भी है तो मदमस्त चलता है, उसी प्रकार भगवान भक्तों की प्रार्थना सुन के बड़े मदमस्त हो गए। और जैसे हाथी पानी में प्रवेश करता है मानो वहां पर क्रीड़ा करने के लिए जा रहा हो, उसी प्रकार भगवान भी जल में, गर्भोदक जल में प्रवेश करते हैं। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान का कोई भी रूप दिव्य तथा ज्ञान एवं करुणा से पूरित होता है। श्री भगवान समस्त भौतिक कल्मष का विनाश करने वाले हैं, क्योंकि उनका स्वरूप साक्षात वैदिक ज्ञान है। सारे वेद श्री भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं। वैदिक मंत्रों में भक्तगण श्री भगवान से चमचमाते तेज को हटाने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यह उनके मुख मंडल को आच्छादित करता है। श्री ईशोपनिषद की यही कथन है, श्री भगवान के कई भौतिक रूप नहीं होता। श्री भगवान के कोई भौतिक रूप नहीं होता, किंतु उनके स्वरूप को सदैव वेदों के रूप में समझा जाता है। वेदों को श्री भगवान की सांस कहा गया है, और वह सांस वेदों से आदि जिज्ञासु ब्रह्मा ने अपने भीतर खींची थी। ब्रह्मा के नथुने से ली गई सांस से भगवान शुक्र प्रकट हुए। अतएव
श्री भगवान का सूकर अवतार साक्षात वेद है। कुछ लोगों के मुनियों द्वारा अवतार का महिमा गान वास्तविक वैदिक मंत्रों से युक्त था। जब भी श्री भगवान का महिमा गान होता है तो यह समझा जाना चाहिए कि वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण किया जा रहा है। अतएव जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ तो श्री भगवान प्रसन्न हुए और अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने हेतु उन्होंने पुनः एक बार गर्जना की और निमग्न पृथ्वी का उद्धार करने हेतु जल में प्रविष्ट हो गए। हरे तो कृष्ण। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भौतिक वस्तु भगवान को प्रभावित कर सकती है। यहाँ बताया जा रहा है कि किस प्रकार वेद वास्तव में भगवान की श्वास है, और क्योंकि ब्रह्मा जी उन वेदों को ही अपने जीवन का आधार मानते हैं, ब्रह्मा जी उन्हीं वेद रूपी श्वास को ग्रहण करते हैं, और उस श्वास को ग्रहण करने के कारण जो श्वास के रूप में नासिका से भगवान ब्रह्मा के प्रकट हुए, वेद के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप भगवान वराहदेव हैं, उनकी गर्जना वेद श्लोक है। तो उस प्रकार से भगवान का दिव्य ये वराह रूप प्रकट हुआ और गर्जना करते हुए भक्तों को प्रोत्साहन देते हुए, जैसे कोई एक बड़ा फाइटर जो होता है, रेसलर होता है, अपनी गर्जना से अपने सारे समर्थकों की ऊर्जा को बढ़ाता है, उसी प्रकार से मानो भगवान वराहदेव अपने भक्तों की उत्साह को बढ़ाते हुए और अभी गर्भोदक जल में प्रवेश कर रहे हैं। उत्क्षिप्त बालक खचरा कठोरा शटा विधुन्वन खर रोम श्वत्वात् खुराहताभ्रा सतदृष्ट ईशा ज्योतिर्भवास भगवान महिद्रा। यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान वराह अपनी पूंछ फटकारते तथा अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। उनकी चितवन चमकीली थी और उन्होंने अपने खुरों तथा चमचमाती सफेद दाढ़ों से आकाश में बादलों को बिखरा दिया। हरे तो कृष्णा। जैसे एक सूकर का स्वभाव होता है, वह अपनी पूंछ को हिलाता है, अपने शरीर के बालों को हिलाता है, जल छिड़कता है इत्यादि, उसी प्रकार से भगवान वराहदेव भी अभिनय कर रहे हैं, जैसे मानो अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार का अभिनय कर रहे हैं। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब भक्तों द्वारा भगवान की स्तुतियां की जाती हैं तो उनके दिव्य कार्यों का ही वर्णन होता है। भगवान वराह के कुछ दिव्य गुण यहाँ दिए गए हैं। चूंकि तीनों उच्च लोकों के निवासियों ने भगवान की स्तुतियां की, अतः यह समझा जाता है कि उनका शरीर सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक या सत्य लोक से लेकर पूरे आकाश में फैल गया था। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि उनकी आंखें सूर्य तथा चंद्रमा है, अतएव आकाश पर उनकी चितवन सूर्य या चंद्रमा जितनी चमकीली थी। यहाँ पर भगवान को महीद्र कहा गया है, अर्थात है विशाल पर्व अथवा पृथ्वी को धारण करने वाला। दूसरे शब्दों में भगवान का शरीर हिमालय पर्वत जैसा विशाल तथा कठोर था, अन्यथा वे संपूर्ण पृथ्वी को अपनी श्वेत दाढ़ों के सहारे किस तरह धारण करते। भगवान के महान भक्त कविवर जयदेव ने इस घटना को अवतारों की अपनी स्तुति में इस प्रकार गाया है। वस्ति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशव द्रथ शुकर रूप जय जगदीश हरे। भगवान केशव कृष्ण की जय। वो जो शुकर के रूप में प्रकट हुए, पृथ्वी उनकी दाढ़ों के बीच में पकड़ी हुई थी, जो चंद्रमा पर कलंक के निशान जैसी प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार जो भगवान ने अपना जो वराह रूप बनाया, एक बड़ा विशाल काय पर्वत के रूप में भगवान प्रकट हो गए। इतना विशाल इनका आकार है कि पूरे विश्व को मानो ढक रहा हो, और ऐसी स्थिति में भगवान अपने खुरों के ऊपर, अपने नाखून, बस सॉरी, अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को उठा करके लाने वाले हैं।
जयदेव गोस्वामी भगवान के बड़े ही प्रिय भक्त हैं। इन्हें दशावतार स्तोत्र भी लिखा है, गीत गोविंद भी लिखा है, और ये दशावतार स्तोत्र में से ही हम रोज नरसिंह आरती भी गाते हैं। तो उसी में यह अलग अलग अवतारों का गुणगान किया है, और यह सूकर रूप का अवतार सूकर बराह देव का भी गुणगान श्री जयदेव गोस्वामी ने यहाँ पर किया है। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। वसति दशन शिखरे धरणी तव लगना, शशिनी कलंक कलेव निमग्ना, केशव द्रेता सूकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो जगदीश मतलब जो सारे जगत के ईश्वर हैं भगवान केशव, उन्होंने ये बराह रूप धारण किया। किस लिए? वसति दशन शिखरे धरणी तव लगना, अपने दोनों बड़े दांतों के दाढ़ों के बीच में दशन शिखरे धरणी, धरणी मतलब पृथ्वी को उन्होंने उद्धार किया। और किस प्रकार उनकी आभा दिख रही थी? जैसे चंद्रमा पर एक छोटा सा कलंक का निशान दिखता है, उसी प्रकार भगवान के दिव्य स्वरूप पर पृथ्वी रूपी कलंक दिख रहा था। ऐसी सुंदर झांकी भगवान वराहदेव की जयदेव गोस्वामी ने लिखी है। घ्रारेण पृथ्व्या पदवीं व्रजिघ्रन्, क्रोड़ा पदेशा स्वयं आर्धव्रांगा, कराल दंष्ट्रो अपि अकराल दृग्भ्याम्, उद्वेक्ष्य विप्रान गृहतो विशत्काम्। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वे साक्षात परम प्रभु विष्णु थे, अतएव दिव्य थे, फिर भी सुकर का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को इसकी गंध से खोज निकाला। उनकी दाढ़ें अत्यंत भयावनी थी, उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई, इस तरह वे जल में प्रविष्ट हुए। हरे कृष्ण प्रभु। तो जिस प्रकार एक वरा एक सूकर गंध से वस्तु को जल में खोजता है, उसी प्रकार भगवान वरा देव भी अपनी गंध से पृथ्वी को खोज रहे हैं। लेकिन अंतर कितना है? एक सामान्य सूकर वृषा को खोजता है, यहाँ भगवान का दिव्य शरीर है, वो दिव्य कार्य के लिए आए हैं, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आए हैं। तो सामान्यतः भगवान और हम एक जैसे ही दिखते हैं, कभी कभी हमको लगता है राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, देखो वो भी तो पृथ्वी पर ही थे, उनके भी तो माता पिता थे। ऐसा नहीं है, यद्यपि देखने में एक जैसा लग सकता है, लेकिन उनकी लीला उनकी क्रिया बड़ी उत्कृष्ट होती है, हमारे जैसी नहीं होती। अनिकेत तो पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, हमें यह सदैव स्मरण रखना होगा कि यद्यपि शुक्र का शरीर भौतिक होता है, किंतु भगवान का शुक्र रूप भौतिकता से कल्मष ग्रस्त नहीं था। किसी पार्थिव शुक्र के लिए संभव नहीं कि वह ऐसा विराट रूप धारण कर सके जो सत्य लोक से लेकर पूरे आकाश में फैला हो। उनका शरीर सभी परिस्थितियों में दिव्य होता है, अतएव शुक्र रूप धारण करना उनकी लीला मात्र है। उनका शरीर संपूर्ण वेद है या दिव्य है, किंतु क्योंकि उन्होंने शुकर का रूप धारण किया था, अतएव वे शुकर की तरह सूंघ कर पृथ्वी की खोज करने लगे। भगवान किसी भी जीव की भूमिका पूरी तरह से निभा सकते हैं। शुकर का विराट रूप निश्चय ही समस्त अभक्तों के लिए अतीव भयावना था, किंतु भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए वह तनिक भी भयावना नहीं था। विपरीत इसके, वे अपने भक्तों पर इतनी प्रसन्नता से दृष्टिपात कर रहे थे कि उन सबों को दिव्य सुख का अनुभव हुआ। हरे कृष्ण। तो ये आश्चर्यचकित बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान सभी जीवों के स्रोत्र हैं, सभी वस्तुओं के स्रोत्र हैं, उन्हीं से वस्तुएं आई हैं, तो उनको तो सभी जीवात्माओं की जानकारी है, उनको सभी योनियों की जानकारी है कि कौन कैसे काम करता है, तो उसमें कोई भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमारे एक मित्र हैं सूरदास प्रभु, वो श्री श्रीमद गिरिराज स्वामी महाराज की सेवा कर रहे हैं, तो बता रहे थे कि महाराज जब जुहू मंदिर में आए थे, मुंबई जुहू के मंदिर में आए थे, अब जुहू का मंदिर गिरिराज स्वामी महाराज ने ही बनवाया है, वही उसमें उस समय पर प्रेसिडेंट थे जब 1976 1977 में वो मंदिर बना। तो उस समय पर
महाराज अभी जब पिछले साल आए तो वो सीढ़ियों से चढ़ने के लिए जा रहे थे, तो सीढ़ियों से चढ़ने की बजाय वो एक दूसरे रास्ते की तरफ चले गए। तो उनके जो सेवक थे सूरदास प्रभु, महाराज को बोलते, महाराज एक्चुअली सीढ़ियाँ इस साइड नहीं है, उस साइड है। तो महाराज बोलते, मुझे पता है सीढ़ियाँ कहाँ है, ये मंदिर मैंने ही बनवाया है। तो एक्चुअली हम कई बार खुद ही भूल जाते हैं कि भगवान ही तो सभी के स्रोत्र हैं, तो उनके लिए ये लीलाएं करना, उनके लिए ये सब जो अलग अलग योनियों का अभिनय करना, ये बड़ा आश्चर्यचकित बात नहीं है। उनके लिए सब कुछ संभव है। सा वज्र कुटांग निपात वेगा, वशीर्ण कुक्षी सतनयन उदनवान, उत्सृष्ट दीर्घोर में भुजैर इवर्तस, शुक्रोष यज्ञेश्वर पाहि मेति। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। दानवाकार पर्वत की भांति जल में गोता लगाते हुए भगवान वराह ने समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर दिया और दो ऊंची लहरें समुद्र की भुजाओं की तरह प्रकट हुई, जो उच्च स्वर से आर्तनाद कर रही थी, मानो भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। हे समस्त देवियों के स्वामी, कृपया मेरे दो खंड ना करें, कृपया करके मुझे संरक्षण प्रदान करें। तात्पर्य, दिव्य शुक्र के पर्वत जैसे शरीर के आग गिरने से महासागर तक विचलित था और वह भयभीत प्रतीत हो रहा था, मानो मृत्यु निकट हो। हरे कृष्ण। जैसे कोई बड़ी वस्तु जब जल में गिरती है तो जल का पानी उछलता है, अब इतना विशाल काय पर्वत रूपी भगवान वराह देव जब जल में प्रवेश किए तो मानो उन्होंने पूरे समुद्र को ही दो भाग में बांट दिया। इतने बड़े विशाल काय वराह देव जल में प्रविष्ट हो रहे हैं और जल दो बड़ी लहरों में विभाजित हो गया, और वो लहरें भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवान हमारा खंडन ना करे, इस तरह उनको प्रार्थना कर रही है। खुरै सुराप्रय दरयांस्तदापा, उत्पार पारं त्रिपरोरसायां, ददर्श गां तत्र सुषुसुरग्रे, यां जीवधानिं स्वयं भयाधत्ता। राकेश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान वराह तीरों जैसे नुकीले अपने क्रोध से जल में घुस गए और उन्होंने अथाह समुद्र की सीमा पाली। उन्होंने समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को उसी तरह परा देखा जिस तरह वह सृष्टि के प्रारंभ में थी, और उन्होंने उसे स्वयं ऊपर उठा लिया। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर पृथ्वी को जिस तरह पहले जब सृष्टि शुरू हुई थी, आपको याद होगा हमने चर्चा की थी कि कैसे गर्भोदक जल से ही पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ था, सब कुछ जल में डूबा हुआ था। उसी तरह पृथ्वी मानो जैसे शुरुआत में डूबी हुई थी, उसी तरह अभी डूबी हुई है। कोई उसको खींच करके नीचे लेकर के चला गया है, और भगवान वराह देव ने इस परिस्थिति में पृथ्वी को रसायम रसातल में देखा। अस्मिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, कभी कभी रस रसायन का अर्थ रसातल अर्थात निम्नतम लोक निकाला जाता है, किंतु श्रील विश्वनाथ यह लागू नहीं होता। पृथ्वी अन्य लोकों अर्थात तल अचल इत्यादि की अपेक्षा 7 गुनी श्रेष्ठ है, अतः पृथ्वी रसातल लोक में स्थित नहीं हो सकती। दाल मूलेश्वर भोग सहतो विन्यस्त पदो प्रतिबिम च विप्रतः यस्योपमानो च विभु सोच्युतो ममस्तु मांगल्ये विव्रयते हरि। अतएव भगवान ने पृथ्वी को गर्भोदय सागर की पैदी से पाया, जहाँ ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर प्रलय के समय सारे लोग विश्राम करते हैं। हरे कृष्ण बोल। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारी परंपरा के एक रसिक आचार्य हैं। आप पूरी भागवत में आगे भी देखेंगे, कई बार भागवत के श्लोकों में कुछ शब्द दिए होते हैं जिनका
अगर हम सीधा सीधा पढ़ें, जैसे रसायन हमने भी पढ़ा, हमको लग रसातल में गई, लेकिन यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं नहीं, रसायन मतलब वो नहीं है, रसायन मतलब गर्भोदक सागर है। और यहाँ पर विष्णु धर्म शास्त्र से उन्होंने, प्रभुपाद जी ने कोटेशन दिया जो वास्तव में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने टीके में लिखा है। तो इस प्रकार से हमें आचार्यों के माध्यम से ठीक प्रकार से समझ में आता है। कई बार ठीक ठीक श्लोक का ठीक ठीक अर्थ सीधा सीधा भी नहीं होता है, क्योंकि संस्कृत में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो इसलिए आचार्यों की कृपा से ही हम वास्तव में समझ पाते हैं, और लॉजिकल भी बनता है, क्योंकि रसातल तो एक ग्रह है। अब ग्रह में कैसे दूसरा ग्रह मिलेगा, जाना तो उसको समुद्र में ही चाहिए। तो गर्भोदक समुद्र में भगवान वराहदेव प्रवेश किए, गर्भोदक समुद्र में ही वह पृथ्वी पड़ी हुई। श्लोक संख्या 31। स्वादंश्रयोधृत्यमहीं निमग्नां सा उत्थिता सन् रुरुचे रसाया तत्रापि दैत्यां गदया पतन्तं सुनाभसंदीपित तीव्रमन्यो। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान वराह की बड़ी ही आसानी से पृथ्वी को अपनी दाढ़ों में ले लिया और भी उसके जल से बाहर निकाल लाए। इस तरह भी अत्यंत इस तरह वो अत्यंत भव्य लग रहे थे। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था और उन्होंने तुरंत उस असुर हिरणाक्ष को मार डाला, यद्यपि वह भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा था। हरे कृष्ण प्रभु। तो भगवान जब पृथ्वी को उद्धार कर रहे थे, उसी समय पर हिरण्याक्ष नामक असुर भगवान को चुनौती देते हैं। भगवान उनसे युद्ध करके उनका विध्वंस करते हैं। तात्पर्य मधु माता जी पढ़िए। धन्यवाद देखिए यहाँ कैसे काम चल रहा है। प्रणाम। शील देव गोस्वामी के अनुसार वैदिक ग्रंथों में भगवान वराह के अवतार का वर्णन दो विभिन्न प्रलय चाक्षुष प्रलय तथा स्वभ्रू प्रलय में हुआ है। वराह का यह विशेष अवतार वस्तुतः स्वभूम प्रलय में हुआ, जब उत्तर लोकों जन महर तथा सत्य को छोड़कर शेष सारे लोक प्रलय जल में डूबे थे। वराह के इस अवतार को लगा उपयुक्त था भागवत आती है लगा दे। वासियों ने देखा था। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती सुझाते हैं कि श्री मैत्रेय मुनि ने विभिन्न प्रलयों के दोनों वराह अवतारों को एक में मिला करके उनका सारांश रूप विदुर के समक्ष रखा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। तो जैसा हमने पहले भी चर्चा किया था कि कई जो ये दृष्टांत हम सुन रहे हैं सृष्टि के, ब्रह्मा जी के भ्रमित होने के, और अभी भगवान वराहदेव की, ये अलग अलग मन्वंतर में हुए हैं। चक्षुषा एक मन्वंतर है, चक्षुप मन्वंतर, और स्वयंभुव मन्वंतर, ये अलग अलग मन्वंतर की प्रलय की बात हो रही है। तो अलग अलग समय पर अलग अलग कथाएं हुई हैं, लेकिन मैत्रेय मुनि सभी का सार जोड़ करके विदुर को बता रहे हैं, क्योंकि समय को बचाते हुए वह सभी कल्पों में से, सभी मन्वंतरों में से जो मुख्य मुख्य लीला है उनको चुन करके बता रहे हैं। तो दो वराह अवतार हुए, एक चक्षुषा मन्वंतर में, एक स्वयंभू मन्वंतर में। एक श्वेत वराह है, एक रक्त वराह है। रक्त वराह मतलब जिनका जो वर्ण है, जिनका जो रंग है वो लाल है, और एक वराह का वर्ण सफेद है। तो कई लीलाएं रक्त वराह ने की, कई लीलाएं श्वेत वराह ने की। मैत्रेय मुनि दोनों को मिला करके बता रहे हैं सारांश रूप में, जिससे मुख्य मुख्य बातों का ज्ञान विदुर को हो जाए। जघान रुंधा नमसाय विक्रमम सालीलयेभम मृगरादिवांभसि तद्रक्तपंका पंकांकितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतिं विभिन्दन्। अनीता साहू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात भगवान वराह ने उस असुर को जल के भीतर मार डाला, जिस तरह एक सिंह हाथी को मारता है। भगवान के गाल तथा जीभ उस असुर के रक्त से उसी तरह रंगे गए जिस तरह हाथी नील लोहित पृथ्वी को खोदने से लाल हो जाता है। हरे कृष्ण। तो भगवान वराह ने किस प्रकार हिरण्याक्ष का वध किया, उसकी उपमा दी गई है। जैसे एक सिंह हाथी को मारता है, जैसे
सिंह अपने दांतों से हाथी को हाथी की गर्दन पे इत्यादि पर अटैक करता है और दांतों से ही उसके शरीर को फाड़ देता है। उसी प्रकार भगवान वराहदेव ने भी हिरण्याक्ष के शरीर को फाड़ डाला और हिरण्याक्ष के खून से भगवान वराहदेव के शरीर में रक्त लग गया। तमाल नीलम स्थित दंत कोट्या क्षमा उत्पन्तम गज लीलायंगा प्रज्ञा बुद्ध्या जलयोनुवाकये विरिंचि मुख्या उपतस्थुरीशम। गायत्री माता जी पढ़िए। अंकित प्रभु पढ़िए। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सारे ऋषि अति आदर के साथ साथ इससे वो ऊपर, इससे इसके ऊपर। ऊपर तब हाँ हाथी की क्रीड़ा तब हाथी की तरह क्रीड़ा करते हुए भगवान ने पृथ्वी को अपने सफेद टेढ़े दांतों से दांतों के किनारे पर अटका दिया लिया। उनके शरीर पर का वर्ण तमाल वृक्ष जैसा नीलाभ और हो गया और तब ब्रह्मा इत्यादि ऋषि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझ सके और उन्होंने आदर सादर नमस्कार किया। हरे कृष्ण जो भक्त यहाँ पढ़ रहे हैं वो किताब के साथ गंभीरता पूर्वक पढ़ना चाहिए। आप लोगों ने हैंड रेज भी किया है, फिर पता नहीं कहाँ पर पढ़ना है, तो ये तो सॉरी अच्छी बात नहीं प्रभु है। जी, वो किताब नहीं आज मेरे पास, मैं बाहर हूँ जरा। हरे स्क्रीन से भी हाँ देखना चाहिए कहाँ चल रहा है पढ़ना, है ना। वो थोड़ा वो नीचे हो गया था ना, सॉरी। ये भागवत श्रवण बहुत गंभीरता से पढ़ने के लिए, ना? हम लोग क्या क्लास नहीं कर रहे हैं। क्लास में क्या होता है, आप कनेक्शन करके सुन सकते हैं, लेकिन हम लोग भागवत स्टडी सर्कल है। स्टडी सर्कल मतलब गंभीरता से पढ़ना है। एक एक श्लोक आपको भी साथ में पढ़ना है, एक एक अनुवाद। यद्यपि हम अलग अलग भक्तों को पढ़ने के लिए बोलते हैं, बाकी भक्तों को भी अपने मन मन में पढ़ना है, तभी ये भागवत पाठ होगा। नहीं तो फिर ये केवल कथा हो जाएगी कि एक व्यक्ति बोल रहा है, सब लोग सुन रहे हैं। ऋष्य ऊचु जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयीम तनुम स्वाम परिधानुवते नमः यद रोम गर्तेषु नीलिर्युरध्यस तस्मै नमः कारण शोकरायते। अंकित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सारे ऋषि अति आदर के साथ बोल पड़े, हे समस्त यज्ञों के अज्ञेय भोक्ता, आपकी जय हो, जय हो। आप साक्षात विदुर के रूप में विचरण कर रहे हैं और आपके शरीर के रोम कूपों में सारे सागर समाये हुए हैं। आपने किन्हीं कारणों से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अपसुकर का रूप धारण किया है। तो सारे ऋषि मुनि हरे कृष्ण भगवान प्रभु जी की दंडवत प्रणाम। आराधना कर रहे हैं, भगवान को स्तुति वंदन कर रहे हैं। तो जब भी भगवान का दर्शन भक्त लोग करते हैं, भगवान का स्तुति वंदन जरूर करते हैं। हम लोग भी जब मंदिर में जाते हैं, केवल दर्शन नहीं करना चाहिए, भगवान को स्तुति करना चाहिए। आप कोई वैष्णव भजन याद कर सकते हैं जो भगवान के समक्ष गाना चाहिए, या फिर कोई श्लोक भागवत से याद कर सकते हैं, भगवत गीता से याद कर सकते हैं। भगवान के समक्ष जा करके भगवान को ये श्लोक स्तुति इत्यादि करना ये बहुत आवश्यक है। तो उसी प्रकार यहाँ ऋषि मुनि जब भगवान वराह देव के सुंदर रूप को दर्शन करते हैं तो उन्हें प्रार्थना कर रहे हैं कि आप साक्षात ही तो चलते फिरते वेद स्वरूप हैं, दिव्य आपका शरीर है और एक एक रोम छिद्र से सारे सागर यानी कि गर्भोदक सागर इत्यादि ब्रह्मांड निकलते हैं। ऐसे भगवान आप हमारे उद्धार के लिए, पृथ्वी के उद्धार के लिए अभी वराह रूप धारण करके आए हैं। इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना की। सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। तात्पर्य भगवान कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और सारी परिस्थितियों में वे समस्त कारणों के कारण हैं, क्योंकि उनका रूप दिव्य होता है। अतः वे सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जैसे कि कारणावरण कारणावरण में वे महाविष्णु के रूप में रहते हैं। उनके शरीर के रोम
रोम कुंपो में असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। सारे इस तरह उनका दिव्य शरीर साक्षात वेद है। वे समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और अजय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उनमें उनसे मात्र इसलिए भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी रूप का भ्रम नहीं होना चाहिए कि पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उन्होंने शुक्र रूप धारण किया है। ऋषियों तथा ब्रह्मा जैसे महापुरुष एवं उच्च लोकों के अन्य वासियों की यही स्पष्ट धारणा है। तो भगवान के स्वरूप को अरे भौतिक विचार से ऋषि मुनि नहीं देखते कि अरे भगवान जब विष्णु रूप में आएंगे तब तो हम उनको बहुत प्रणाम स्तुति करेंगे, अभी सूकर रूप में आए हैं तो उतना पवित्र रूप नहीं है, ऐसा नहीं सोचते। और ऐसा कभी भ्रम होता है तो भगवान उस भ्रम को तोड़ते भी हैं, जैसे ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को देख करके भ्रम हो गया था, अरे ये बच्चा कैसे भगवान हो सकता है, मेरे भगवान तो भगवान विष्णु है, ये तो बच्चा है। ये भ्रम को तोड़ने के लिए फिर भगवान ब्रह्म विमोहन लीला करते हैं। तो इसलिए महर्षिगण बड़े सतर्क रहते हैं, भगवान जिस भी रूप में आए वो दिव्य है, वो शाश्वत है, उस सनातन रूप को वो प्रणाम करते हैं। रूपम त्वेतन ननु दुष्कृता मनान दुर्दर्शनम देव यद्वरात्वमकन छंदांसि यस्य त्वचि बहिर रोम स्वजायं दृशीत्व अंग्रीषु चातुर्होत्रम। परमवीर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, आपका स्वरूप यज्ञ संपन्न करके पूजा के योग्य है, किंतु जो दुष्ट आत्मा है वे इसे देख पाने में असमर्थ है। गायत्री तथा अन्य सारे वैदिक मंत्र आपकी त्वचा के संपर्क में है, आपके शरीर के रोम कुश हैं, आपकी आंखें दृढ़ हैं और आपके चार पांव चार प्रकार के सकाम कर्म हैं। यहाँ भगवान के पूरे शरीर को वैदिक यज्ञ के साथ तुलना की गई है कि भगवान आपके दर्शन, आपके शरीर की दिव्यता, आपको पूजा करने का माध्यम यज्ञ, आपके शरीर पे जो बाल हैं वो कुशा घास, आपके नेत्र घृत समान और आपके चार पांव चार प्रकार के सकाम कर्म यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि सभी आपके शरीर के ही दिव्य अंग हैं, इस तरह प्रार्थना महर्षिगण कर रहे हैं। उच्च लोकों में महर्षिगण यज्ञ इत्यादि करते हैं और भगवान की पूजा उन यज्ञों के माध्यम से ध्यान आदि के माध्यम से करते हैं, उन्हीं में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तात्पर्य अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, दुष्टों का एक वर्ग है जिसे श्री भगवद गीता में वेदवादी कहा गया है, अर्थात जो वेदों के तथा कथित कट्टर अनुयायी हैं। वे श्री भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करते, तो पूज्य सुकुर के रूप में श्री भगवान के अवतार के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। वे श्री भगवान के विभिन्न रूपों या अवतारों की पूजा को अवतारवाद कहते हैं। श्री भागवतम के अनुसार ये व्यक्ति दुष्ट हैं और श्री भगवद गीता में इन्हें केवल दुष्ट अपितु मूर्ख तथा मनुष्यों में अधम कहा गया है, और यह भी कहा गया है कि उनका ज्ञान उनके नास्तिकवादी स्वभाव के कारण मोह द्वारा हरा जा चुका है। ऐसे गहिर व्यक्तियों के लिए विराट सुकुर के रूप में श्री भगवान का अवतार अदृश्य रहता है। वेदों के इन कट्टर अनुयायियों को श्री भगवान के नित्य रूपों का उपहास करते हैं। श्री भागवतम से जान लेना चाहिए कि ऐसे अवतार मूर्तिमंत वेदों के रूप में हैं। भगवान वराह की त्वचा, उनकी आंखें तथा उनके शरीर के रोम कुपों का वर्णन यहाँ पर वेदों के विभिन्न अंगों के रूप में हुआ है, अतएव वे वैदिक मंत्रों के विशेष रूप से गायत्री मंत्र के साक्षात रूप हैं। हरे कृष्ण। तो कई लोग वेदों में बड़ा रुचि रखते हैं, सम्मान रखते हैं, लेकिन भगवान के अवतारों को उस प्रकार सम्मान नहीं देते। यहाँ पर उच्च लोकों के महर्षिगण भगवान के दिव्य रूप को ही वेद का साक्षात स्वरूप बता रहे हैं। तो इससे हमको क्या पता पड़ता है कि वेदों का मुख्य उद्देश्य है भगवान के ऊपर समर्पण, भगवान की आराधना करना। तो अगर वेद पढ़कर अगर कोई शरणागत नहीं हो रहा है, भगवान के अवतारों की गुणगान नहीं कर रहा है, तो फिर उसका वेद पाठ किसी काम का नहीं है। उसी को भगवान ने गीता में वेदवाद रतः बताया है कि लोग वेद पढ़ने में इतने आसक्त होते हैं लेकिन उनको कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं होती।
श्रकतुंड आसीत् श्रुव ईशनासयो इडोदरे चमाश चर कर्णरंध्रे प्राशीन्त्रमास्य ग्रसने ग्रहस्तुते यश्रावणं ते भगवन् अग्निहोत्रम्। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हे प्रभु आपकी जीव यज्ञ का पात्र स्त्रक है, आपका नथुना यज्ञ का अन्य पात्र श्रुआ है, आपके उदर में यज्ञ का भोजन पात्र ईड़ा है और आपके कानों के छिद्रों में यज्ञ का अन्य पात्र चम्मच है, आपका मुख ब्रह्मा का यज्ञ है यज्ञ पात्र प्रसित्र है, आपका गला यज्ञ पात्र है जिसका नाम सोम पात्र है तथा आप जो भी चबाते है वह अग्निहोत्र कहलाता है। हरे इस तरह भगवान के अलग अलग अंगों को यज्ञ के अलग अलग भागों से तुलना की जा रही है। इसका मतलब क्या है? भगवान का पूरा शरीर ही दिव्य है। जिस प्रकार यज्ञ पवित्र होता है उस तरह भगवान का शरीर भी पवित्र है और उसी दृष्टि से ये उच्च लोकों के ऋषिगण भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। वेदवादियों का कहना है कि वेदों तथा वेदों में वर्णित याज्ञिक अनुष्ठानों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उन्होंने हाल ही में अपने दल का यह नियम बनाया है कि प्रतिदिन यज्ञ किया जाए। वे थोड़ी सी आग जलाकर उसमें मनमाने ढंग से कुछ होम करते, किंतु वेदों में उल्लिखित यज्ञ विषयक विधि विधानों का कड़ाई से पालन नहीं करते। ऐसा समझा जाता है कि विधान के अनुसार यज्ञ के विभिन्न पात्रों की यथा श्रक श्रुवा बढ़ी चातुर्होत ईड़ा चमस प्राशित ग्रह तथा अग्निहोत्र की आवश्यकता होती। जब तक इन कठिन नियमों का पालन नहीं किया जाता यज्ञ के फल प्राप्त नहीं हो पाते। इस युग में यज्ञों को सही ढंग से संपन्न करने की एक तरह से कोई सुविधा ही नहीं है। अतः इस कलयुग में ऐसे यज्ञों के लिए एक बाध्य करने वाला आदेश है या स्पष्ट निर्देश है कि मनुष्य केवल संकीर्तन यज्ञ करे, अन्य कुछ भी नहीं। श्री भगवान के अवतार यज्ञेश्वर हैं और जब तक श्री भगवान के अवतार के लिए श्रद्धा ना हो तब तक यज्ञ पूर्ण रूप में नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में श्री भगवान की शरण ग्रहण करना और उनकी सेवा करना समस्त यज्ञों का वास्तविक अनुष्ठान। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है यज्ञ के विभिन्न पात्र श्री भगवान के अवतार के शरीर के विभिन्न भागों को बताने वाले। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में इसका स्पष्ट निर्देश है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री भगवान के अवतार को प्रसन्न करने हेतु मनुष्य को संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का फल पाने हेतु इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो नाम है श्रक श्रुवा बहिर चतुर्होत्रा ईड़ा इत्यादि, ये तो नाम भी कई भक्त ने पहली बार हमको भी मालूम नहीं है ये एक एक वस्तु का क्या उपयोग होता है यज्ञ में। जो कर्मकांडी ब्राह्मण होंगे उनको शायद कुछ पता होगा। तो ये सब वस्तुएं अभी इतनी आसानी से मिलती नहीं, इतना ज्ञान लोगों को है नहीं, इसलिए कलयुग के लिए यज्ञ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन यज्ञ को शुरू आरंभ किया। भगवान गीता में भी बोलते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञ उसमें, यज्ञों में मैं स्वयं जप यज्ञ हूँ। तो सर्वश्रेष्ठ जप यज्ञ को बताया गया है। और जब हम रोज भगवान का नाम लेते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वास्तव में इस यज्ञ के जप यज्ञ के माध्यम से भगवान को आराधना करते। दीक्षानुजन्मो पद साधरम त्वयि प्रायणी योदयनी दृंष्ट्रा जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं कृतो सत्यावस्थायां चितयो सवोहिते। सोनम माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हे प्रभु इसके साथ ही साथ सभी प्रकार के दीक्षा के लिए आपकी बारंबार प्राकट्य की आकांक्षा भी है। आपकी गर्दन
तीनों इच्छाओं का स्थान है और आपकी दाढ़ी दीक्षा फल तथा सभी इच्छाओं का अंत है। आपकी जिह्वा दीक्षा के पूर्व कार्य है। आपका सिर यज्ञ रहित अग्नि तथा पूजा की अग्नि है तथा आपकी जीवनी शक्ति समस्त इच्छाओं का समुच्चय है। हरे अभी कृष्ण जो प्रभु जी। यज्ञ के साथ दीक्षा इत्यादि क्रियाओं को भी भगवान के अलग अलग शारीरिक अंगों से तुलना की गई। सोमस्तुरेता सवनान्य विस्थिता ती समय सम संस्था विभेदस्तव देव धात्वः सत्राणि सर्वाणि शरीर संधि सत्वं स्वर्यज्ञा क्रतुरिष्टि बंधना। युगल प्रिय माता जी पढ़िए। मणि माता जी आप पढ़िए। प्रभु प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी पढ़ रहे हैं। हे का प्रभु, आपका धैर्य, आपका वीर्य सोम नामक यज्ञ है। आपकी वृद्धि प्रातः काल संपन्न किए जाने वाले कर्म कांडीय अनुष्ठान है। आपकी त्वचा तथा स्पर्श अनुभूति अग्नि सोम यज्ञ के 7 तत्व हैं। आपके शरीर के जोड़ 12 दिनों तक किए जाने वाले विविध यज्ञों के प्रतीक हैं। अतएव आप सोम तथा असोम नामक सभी यज्ञों के लक्ष्य हैं और आप एकमात्र यज्ञों से बंधे हुए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए, जो जिस स्तर पे होता है उसी स्तर पे भगवान का गुणगान करता है। अभी ये जो प्रार्थना है ये उच्चतम लोकों के महर्षिगण कर रहे हैं, जो यज्ञ दान तप इत्यादि में हमेशा संलग्न रहते हैं। तो वो भगवान को जो गुणगान कर रहे हैं यज्ञ के माध्यम से ही कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा भगवान को गुणगान करता तो वो अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपने अनुभव के हिसाब से करता। आगे कोई महिलाएं, आगे हम देखेंगे नाग पत्नियां या जो द्विज पत्नियां भगवान को आराधना करेंगी, प्रार्थनाएं करेंगी, तो वो अपने स्तर पे की करेंगी। हमने कुंती महारानी की प्रार्थनाएं पढ़ी, उसमें कुंती महारानी अपने स्तर पर कर रही हैं कि आपने हमारी रक्षा की, पांडवों की रक्षा की इत्यादि। भीष्म पितामह ने प्रार्थनाएं की तो उन्होंने रण क्षेत्र को स्मरण करते हुए भगवान की प्रार्थना की कि आप रण क्षेत्र में इतने सुंदर दिख रहे थे, आपके केश आपके मुख पर आ रहे थे, आपको युद्ध स्थली की मिट्टी लगी हुई थी, थोड़ा सा रक्त आपके शरीर पे लगा हुआ था, तो उस तरह से प्रार्थना कर रहे थे। तो हर भक्त अपने अनुभव के हिसाब से प्रार्थना करते हैं। यह महर्षिगण क्योंकि यज्ञ इत्यादि में ही हमेशा लगे रहते हैं, तो यज्ञ के माध्यम से वही उपमाएं दे करके भगवान को प्रार्थना कर रहे। दिग्विजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मणि कर्म कांड के अनुयायी, वैदिक कर्म कांड के अनुयायी 7 प्रकार के सामान्य यज्ञ करते हैं, जिन्हें अग्निहोश, अग्निस्टोम, अंत अग्निस्टोम, उक्त षोडशी वाजपेय, अतिरात्र तथा आप्तयोर्म कहते हैं। जो भी व्यक्ति ऐसे यज्ञों को नियमित रूप से संपन्न करता है वह भगवान के पास स्थित माना जाता है। किंतु जो जो कोई भी भक्त योग संपन्न करके भगवान के संपर्क में रहता है उसके लिए यह समझा जाता है कि उसने विभिन्न प्रकार के सभी यज्ञ संपन्न कर लिए। हरे तो कृष्ण। सभी यज्ञों का मुख्य प्रयोजन है भगवान की आराधना करना, भगवान की भक्ति करना। जिन लोगों ने इस तरह भगवान की भक्ति में संलग्न अपने आप को किया है वह सभी यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्व कृतवे क्रियात्मने वैराग्य भक्त्या तुम जयानुभाविता ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। दिग्विजय प्रभु पढ़िए। हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और वैश्विक प्रार्थनाओं, वैदिक मंत्रों तथा यज्ञ की सामग्री द्वारा पूजनीय है। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त दृश्य तथा अदृश्य भौतिक कलमश से मुक्त शुद्ध मन द्वारा अनुभव गम्य है। हम आपको भक्ति योग के ज्ञान के परम गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं। तो ये प्रार्थनाओं का क्रम होता है। प्रार्थनाएं जब की जाती हैं, भगवान का गुणगान,
और साथ साथ में नमस्कार नमन कि हे भगवान, आप इतने उच्च हैं, सभी वस्तुओं के स्रोत हैं, यज्ञ के स्वामी हैं, वेद वांग्मय के साक्षात स्वरूप हैं, भक्ति योग के गुरु हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। जय माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जन्म प्रणाम। भगवत गीता के लिए योग्यता यह है कि भक्त को समस्त भौतिक कल्मशों तथा इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। यह मुक्तावस्था वैराग्य अर्थात भौतिक इच्छाओं से विरक्ति कहलाती है। जो व्यक्ति विविधानों के अनुसार भक्ति में लगा रहता है वह स्वतः भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और उस शुद्ध मनोदशा में वह भगवान की अनुभूति कर सकता है। प्रत्येक के हृदय में स्थित होने से भगवान भक्त को शुद्ध भक्ति के विषय में शिक्षा देते हैं, जिससे वह अनंततः भगवान की संगति प्राप्त कर सके। इसकी पुष्टि भगवद गीता 10.10 में हुई है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम के साथ निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहता है उसे अंत में भगवान निश्चित रूप से अपने को प्राप्त करने के लिए बुद्धि प्रदान करते हैं। मनुष्य को मन जीतना होता है और वह ऐसा वैदिक अनुष्ठानों द्वारा विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करके कर सकता है। इन समस्त कार्यों का चरम अंत भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। भक्ति के बिना भगवान को नहीं समझा जा सकता। आदि भगवान या उनके असंख्य विष्णु अंश ही समस्त वैदिक अनुष्ठानों तथा यज्ञों के द्वारा पूजा के एकमात्र लक्ष्य है। यहाँ भगवान को भक्ति के पथ कर गुरु बताया गया है, क्योंकि वास्तव में भक्ति जो प्राप्त होती है भक्तों के द्वारा होती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादंबनी में बताते हैं कि किस प्रकार भक्ति कौन प्रदान करता है। भक्ति भक्त प्रदान करते हैं, लेकिन भक्तों को कौन प्रेरणा देता है कि ये जीवात्मा को भक्ति दो। हृदय में बैठे परमात्मा भक्तों को प्रेरणा देते हैं कि इस जीवात्मा को भक्ति दो। इसलिए हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। स्वयं भगवान डायरेक्ट भक्ति किसी को देते नहीं है, क्योंकि अगर भगवान भक्ति देंगे तो उनके ऊपर पक्षपात का आरोप लग जाएगा। किसको भक्ति देना है किसको नहीं देना है भगवान विचार डायरेक्ट नहीं करते हैं। ये डिपार्टमेंट भगवान ने अपने भक्तों को दिया है, लेकिन भक्तों को प्रेरणा कहाँ से मिलती है, किसको भक्ति देना है किसको नहीं देना है, ये भगवान अंदर ही अंदर बैठ करके उनको सिग्नल देते हैं। तो दोनों गुरु और भक्त के समन्वय से दोनों मिल करके एक जीवात्मा का उद्धार करते हैं और फिर भगवान हृदय में बैठ करके भक्त को गाइड करते हैं कि किस प्रकार जाओ मंदिर जाओ, भागवत पढ़ो, शास्त्रों का अध्ययन करो, जप करो। यह भगवान जो भक्त गंभीर है उन तक पहुंचना चाहता है, अंदर ही अंदर बैठ करके उनको प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, इसलिए उनको चैत्य गुरु बोला जाता है। इसलिए यहाँ सारे महर्षिगण भक्ति योग के परम गुरु के रूप में भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम इसके आगे कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।